ये गाइज वेलकम टू आवर चैनल बैरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइज आज मैं एक लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे हम बेट फिशिंग ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग का रिक्वेस्ट था कि हम बेट फिशिंग के ऊपर भी कुछ वीडियोस लाएं, सो आज हमारी कोशिश है कि हम आपको एक अच्छी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बेट फिशिंग की उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे एंड कुछ रिक्स भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बेट फिशिंग करने के लिए हमें रिक्स बनाने चाहिए एंड किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हमें बेट लगाने चाहिए, कौन से टाइप के बेट होते हैं, उसके ऊपर ही आज का वीडियो है गाइस। सो वीडियो को एंड तक देखें, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपके फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आर वीडियोज। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सो गाइस बेट फिशिंग स्टार्ट करने के लिए हमें अगर आप मोनो लाइन यूज़ कर रहे हैं, मोनोफिलामेंट का लाइन आप रॉड में यूज़ कर रहे हैं तो आप हुक एंड वेट को डायरेक्टली बांध सकते हो। अगर आप ब्रेड लाइन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं ब्रेड लाइन यूज़ करता हूँ, तो हमें इस तरह का रिग बनाना होता है जिसको स्लाइडिंग रिग बोलते हैं। सो स्लाइडिंग रिग बनाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बनाना है आपको। आप अपना मोनोफिलामेंट का लाइन अप्रॉक्सीमेटली एक डेढ़ फिट के आसपास आप मोनोफिलामेंट का लाइन कट कर ले, इतना बड़ा अप्रॉक्सीमेटली। उसको कट करने के बाद आपको जो लीडर आपका जो मेन लाइन है ब्रेड लाइन, जैसे कि ये है, इसके एंड पे आपको स्विवेल बांधना है इस तरह से। एंड पहले स्विवेल बांधने से पहले उसके ऊपर आपको वेट डालना है गाइस। जैसे कि मेरे पास अभी 20 ग्राम का वेट है, छोटे भी वेट है, बट अभी मुझे लंबा कास्टिंग करना है इसलिए मैं 20 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा हूँ। ये सिंकर बोलते हैं इसको, सिंकर में आपको ब्रेड लाइन डालना है इस तरह से एंड फिर आपको स्विवेल बांध देना है, जैसे कि अभी मैं बांध रहा हूँ। इस तरह से स्विवेल को बांध दे, दो चार बार घुमा के इसको वापस उसी में डाल के टाइट कर दे उसी लूप में इस तरह से। ये सबसे रिलायबल नॉट है गाइज। आपको अगर देखना हो तो मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप जाके देख लेना। मैंने ऑलरेडी नॉट्स के बारे में वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं गाइज कि इस तरह के नॉट कैसे मारे जाते हैं। अभी हमको ये मोनो लाइन अटैच करनी है इसमें स्विवेल में, तो इसको भी वही नॉट से हम बांध देंगे, या तो कोई भी दूसरी नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, बेट फिशिंग के लिए कोई स्पेसिफिक नॉट की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा मोटा फिशिंग है, इस तरह से इसको नॉट मार देंगे। अब हम आगे हुक यूज़ करेंगे गाइस। अब मेरे पास दो तीन टाइप के हुक है जो मैं बेट फिशिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये जो छोटा 4x0 है ये हुक मैं यूज़ करूँगा फॉर बेट फिशिंग। अप्रॉक्सीमेटली 2-3 किलो 4 किलो के स्नैपर के लिए इनफ हो जाता है, स्नैपर बैरामुंडी स्नैपर ग्रुपर एंड ब्रीम के लिए। ये एक बेसिक नॉट है गाइस, आप इस तरह से आप इसको नॉट मार सकते हो। अब आप देख सकते हैं गाइस ये हमारा रिग रेडी हो गया है अभी बेट फिशिंग के लिए। इसको स्लाइडिंग रिग बोलते हैं। इसका बेनिफिट ये है गाइस कि ये जो वेट है स्लाइड होते रहता है। फॉर स्नैपर एंड ग्रुपर ये इस तरह के स्लाइडिंग रिग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है हमें। अगर आप इस तरह का स्लाइडिंग रिग यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत कम चांसेस होता है कि मच्छी हुकअप हो जाए और बेट को लेके जाए। सो इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप पानी में बेट को डालोगे इसमें चारा लगा के ये पड़ा रहेगा यहाँ पे इस तरह से, मच्छी आएगी तो इसको पकड़ेगी, उसको पुल करके देख ट्राई करेगी, वो पुल करने का मतलब खींचने का ट्राई करेगी वो। बट एक दो बार खींचेगा, अगर ये फ्री फ्लोइंग एंड स्लाइडिंग नहीं होगा आपका जो सिंकर है एंड मेन लाइन है तो ये यहाँ पे अटक जाएगा इस तरह से, वो खींच नहीं पाएगी और समझ जाएगी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस चारे को खाएगी नहीं वो और छोड़ देगी तुरंत ही। सो अगर ये स्लाइडिंग रहेगा तो इस तरह से खींचेगी, वो आगे लेके जाएगी और एक ही झटके में पूरा घसीट के घटक के भाग जाएगी एंड उसी में ही आपका हुकअप हो जाएगा, आपको स्ट्राइक मारना होगा फिर। सो अभी इस रिग को हम यूज़ करेंगे एंड आपको दिखाता हूँ कि जब बेट फिशिंग करते टाइम हमें किस तरह से रॉड का पोजीशन होना चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। सो गाइस हमारे दस्तगीर भाई हमारे फ्रेम के अंदर
हमारे बहुत ही प्रिय मित्र है जो हमें जिन्होंने हमें इनवाइट किया था आज फिशिंग के लिए। तो हम यहाँ पे आए हुए एक स्पॉट पे फिशिंग के लिए, एक आइलैंड है। सो अब वो हमको दिखाएंगे कि बेट कैसे लगाया जाता है और कितना टाइप के बेट होते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या बेट की वैरायटी अवेलेबल है। उसमें से कोई तो एक बेट जो बेट है चारा है उसको हम लगाएंगे इस फिशिंग के लिए, बेट फिशिंग के लिए। सो ओवर टू अपने दस्तगीर भाई। सो दस्तगीर भाई, आप हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इसमें चारा लगा कर दिखाएं कि किस तरह से चारा लगाया जाता है, और इस रॉड को आप फेंक दें। सो गाइस, ये जो चारा अभी लगाया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं दस्तगीर भाई, इस चारे को? इसको बोलते हैं माकली। ये है माकली। माकली मतलब स्क्विड होता है इंग्लिश में। तो अभी हम स्क्विड का ये लगा रहे हैं बेट। स्क्विड को इस तरह से क्यों लगा, इसका कांटा इसका बाहर निकाल के रखना चाहिए? हाँ, कांटा थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है ताकि मच्छी खाए तो डायरेक्ट हुक हो जाए। अच्छा। और ये जो इसकी मुंडी है ये ऊपर होना चाहिए ताकि पानी में ऐसे ऐसे हिले। तो अगर उसको कांटा को छुपा देंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये तो पत्थरों में अटक जाएगा कांटा अगर बाहर रहेगा तो। छुपा भी सकते हैं और नहीं छुपाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ना। सो अगर छुपाया हुआ है गाइस कांटा चारे के अंदर, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर मच्छी ने पूरा घटक लिया और खींच के जा रही है तो आपको स्ट्राइक जोर से मारना है ताकि वो कांटा उसके मुंह में घुस जाए और आपको मच्छी मिल जाए। अगर आपने कांटा बाहर रखा है तो अपने आप हुकअप हो जाती है, अगर कांटा छुपाया हुआ है तो आपको हुकअप देना पड़ता है, जोर का स्ट्राइक मारना पड़ता है। सो अभी हम कास्ट करके वेट करेंगे, देखते हैं हमें कुछ लगता है कि नहीं लगता है गाइस। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी आगे एंजॉय करें गाइस वीडियो। तो गाइस अभी हमने कास्टिंग कर दिया है। कास्टिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से बेट फिशिंग की जाती है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, सब लोगों को बेट फिशिंग का तरीका, लेकिन मेरा थोड़ा अलग है। क्योंकि तो अभी जो आपको मेरे हाथ में रॉड एंड रील दिख रहा है, मैंने बेट कास्ट किया हुआ है, स्लाइडिंग रील लगा हुआ है। तो हम मोस्टली मैंने देखा है रॉड इस तरह से, लोग रॉड को इस तरह से पकड़ के रखते हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस तरह से पकड़ के ना रखें, अगर आप रॉड पे रॉड को हाथ में रखते हैं तो आपको एटलीस्ट थोड़ा मीडियम ड्रैग सेट करके रखना है एंड इस तरह से लाइन को अपने हाथ में पकड़ना है गाइस। जैसे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, देखो इस तरह से रॉड को नीचे की तरफ रखना है, जैसे कि हमारी लाइन जो है ब्रेड लाइन सीधी होनी चाहिए एक लेवल में। अगर सीधी रहेगी और हमारे हाथ में लाइन रहेगी तो छोटी से छोटी मच्छी भी इसको टच करेगी तो आपको उंगली में फील होगी कि कुछ ना कुछ मच्छी उसको बाइट कर रही है। अगर आप इस तरह से ऊपर रॉड रखोगे तो आपको इतना सेंसिटिविटी नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कोई मच्छी खा रही कि नहीं खा रही है। एंड उसका भी टेक्निक होता है, अगर आप बड़ा फिशिंग कर रहे हो, कोई बड़ा चारा लगा रहे हो, फुल पूरा अखा मच्छी लगा दिए हो चारे के रूप में एंड उसके ऊपर बड़ी मच्छी का टारगेट कर रहे हो, तो उसमें आप रॉड खड़ा रख सकते हो एंड जब रॉड को खींचेगा तो अपने आप हुकअप हो जाएगा उसमें एंड आपको स्ट्राइक भी देना हो इन दैट केस। तो अभी इस तरह से हम उसको पकड़ के रखते हैं यहाँ पे, देखिए ये पोजिशन में हमें रॉड को पकड़ना होता है बेट फिशिंग करते समय। तो इस तरह से हमें पकड़ के रखना है, जैसे आपको बेट इसका चारा खाएगी मच्छी तो आपको हाथ में मालूम पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी स्नैपर या ग्रुपर कोई भी मच्छी आपको अटैक कर रही है, चारे को खा रही है, तो उसको इसलिए लाइन को मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ हाथ में इस तरह से। इस तरह से आप एक्स्ट्रा लाइन हाथ में रखें और लाइन को इस तरह से पकड़ के रखें, और इतना जो लूज लाइन है नीचे इस तरह से लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा रखें हाथ में, ताकि जब भी मच्छी खींचे तो उसको स्लो करके उसको लूज दे, ताकि मच्छी खींचता रहे और लाइन हमारा इस तरह से जाए। इन दैट केस की क्या होगा कि हमें मच्छी आराम से उसको घटक के पूरा भागेगी। फिर
दिया हट जाए मुंह में डाल दे मुंह में डाल। हाँ कतरा कतरा तो हमें पीना है। ये हुई ना बात जे बात ये बात है। इसके पहले वाला बड़ा पीस था मतलब। हाँ अच्छा खींचा था वो। ग्रुपर ग्रुपर का बच्चा है।